बस थोड़े से ही टाइम में बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची मंची और बेहतरीन नाश्ता, जो कि कम मेहनत में और कम इंग्रेडिएंट में इतना टेस्टी और इतना आसान नाश्ता बनेगा जो कि शायद ही कभी आपने पहले कभी बनाया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बेहतरीन से नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है कढ़ाई, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें हमें डाल देना है एक चम्मच राई, और जब राई अच्छे से तड़क जाएगी फिर डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच तिल, जिससे कि बहुत अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर आएगा इसमें। इसको हल्का सा भूनने के बाद में अब हमें डालना है बहुत अच्छे से महीन सा कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, और इसे हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें एक धनिया के पत्ते। इस टाइम पर धनिया डालने से इसका जो फ्लेवर आ जाता है ना इसमें, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसको हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद इसमें डालना है 2 कप पानी और उसे हल्का सा चला लेंगे। फिर इसमें डालना है हमें नमक। नमक यहाँ पे आप स्वाद अनुसार दे सकते हैं। जब पानी में बहुत अच्छे से इस तरीके से बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप महीन सूजी। हमें यहाँ पे महीन सूजी का इस्तेमाल करना है। रेशियो का ध्यान रखिएगा, जिससे भी बर्तन से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उससे हमें 2 कप पानी लेना है और 1 कप सूजी लेनी है, और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इस तरीके से डो नहीं बन जाता। ये आपका ईजिली 3 से 4 मिनट में बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब डो इस तरीके से बनने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसे ढककर साइड में रखेंगे करीबन 7 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए, अब देखते हैं। ये देखिए, ये एकदम स्टिफ सा अच्छा सा एक डो बन गया है। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी प्लेट में, और फिर हमें लेना है यहाँ पे 2 ठंडे किए हुए बॉइल्ड आलू। मतलब अच्छे से पहले उसे हमें बॉईल कर लेना है, छील लेना है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में उसे रख देना है फ्रिज में, फिर हमें इसे ग्रेट करना है। उसके बाद डालेंगे इसमें इटालियन हर्ब्स, ये ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अपने हाथों से करेंगे, जिससे कि आलू और सूजी का ये सारा जो नाश्ता है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हमें डालना है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो। अब हाथों को करेंगे ग्रीस किसी कुकिंग ऑयल से, और उसके बाद में हमें इसका एक अच्छा सा ऐसे प्रॉपर सा डो बना लेना है। बहुत इजीली बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। फिर काउंटर टॉप पे या आप जिस पे हम रोटी बेलते हैं उस पे आपको इस तरीके से इसका थोड़ा सा पार्ट लेना है और सिलेंड्रिकल शेप दे देना है ऐसे रोल करते हुए। फिर हम इसे पीसीज में कट करेंगे इस तरीके से। आप इसको कैसा भी शेप दे सकते हैं, शेप आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी रख सकते हैं, शेप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा ये नाश्ता रेडी है। जितने भी आपको फ्राई करने हैं आप निकाल लीजिए, बाकी आप इन सबको स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। ये देखिए, यहाँ सारा मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, और इसको आप ईजिली 3 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। तेल को कर लिया मैंने अच्छे से गरम। जब तेल गरम हो जाएगा तब मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सारा फ्राई कर लेना है हल्का लाल होने तक। ये देखिए, मैंने एक साथ सारे इसमें डाल दिए ताकि अच्छे से इसमें कलर आ जाए। कोई गेस्ट आ रहे हो या घर पर बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चे तो इसकी डिमांड बहुत करते हैं, इनके तो हमेशा ही डिमांड रहता है, मम्मा बस ये वाला नाश्ता बना दो। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है। इसे केचप के साथ में, ग्रीन चटनी के साथ में, या आप इसको मूंगफली वाली चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से क्रंची और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट रहता है इसका टेक्सचर। इस तरीके की वीडियोस को और देखने के लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि जो भी वीडियोस में डालूँ उसकी